Namaste, myself Dr. Vivek Monde, consultant neurosurgeon in Pune, working at Spine and Brain Clinic Pune. बहुत बार बहुत सारे पेशेंट कंफ्यूज रहते हैं कि ये न्यूरोलॉजिस्ट क्या टर्मिनोलॉजी, यानी न्यूरोलॉजिस्ट यानी एग्जैक्टली कौन से डॉक्टर है और न्यूरोसर्जन एग्जैक्टली कौन से डॉक्टर है. बहुत बार ऐसे पेशेंट होते हैं कि जो न्यूरोलॉजिस्ट समझ के न्यूरोसर्जन के पास चले जाते हैं, नहीं तो अदर वे न्यूरोसर्जन के पास चले जाते हैं न्यूरोलॉजिस्ट समझ के. तो न्यूरोलॉजिस्ट नहीं तो न्यूरोफिजिशियन जिसको हम बुलाते हैं, वो डॉक्टर्स जो रहते हैं वो मेडिसिन के डॉक्टर रहते हैं, वो सर्जरी के डॉक्टर नहीं होते. सादी भाषा में अगर बोलने की कोशिश करेंगे तो वो फंक्शन रिलेटेड डॉक्टर रहते हैं. जैसे कि अगर ब्रेन का कोई फंक्शन खराब हो रहा है, जैसे पार्किंसन से बैलेंस जा रहा है, नहीं तो अल्जाइमर डिसीज है जिसमें डिमेंशिया यानी याददाश्त की बीमारी आ रही है, तो ब्रेन का स्ट्रक्चर काफी हद तक नॉर्मल है पर ब्रेन का फंक्शन खराब होते जा रहा है, तो ऐसे हालात में न्यूरोफिजिशियन नहीं तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना ज्यादा जरूरी है. पर अगर ब्रेन में कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि ब्रेन में कुछ गांठ आ रही है, ब्रेन में कुछ इन्फेक्शन का एब्सेस आ रहा है, कुछ आर्टरीज का कुछ बलूनिंग हो रहा है, ऐसे हालात में न्यूरोसर्जन उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं. तो न्यूरोफिजिशियन नहीं तो न्यूरोलॉजिस्ट हम जिसको बुलाते हैं वो फंक्शनल डिजीजेस ऑफ ब्रेन देखते हैं, और न्यूरोसर्जन जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल डिजीजेस ऑफ द ब्रेन देखते हैं. तो अगर समझो किसी पेशेंट को हेडेक का तकलीफ है, सिर दर्द की बीमारी है, काफी बार वो एमआरआई करा लेता है, जनरल प्रैक्टिशनर नहीं तो जनरल फिजिशियन उनसे एमआरआई करा लेता है, एमआरआई नॉर्मल आता है और एमआरआई नॉर्मल लेके वो चले जाते हैं न्यूरोसर्जन के पास. अभी जैसे मैंने बोला, अगर एमआरआई नॉर्मल है, स्ट्रक्चर अगर नॉर्मल है तो न्यूरोसर्जन का उसमें कुछ ज्यादा रोल नहीं रह जाता है, देन वो केस है न्यूरोफिजिशियन का, नहीं तो वो केस है न्यूरोलॉजिस्ट का, उसमें न्यूरोसर्जन का कुछ ज्यादा रोल नहीं रहेगा. दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को हेडेक होता है, एमआरआई कोई कराता है और उसमें दिखता है कि ब्रेन में ट्यूमर है, और ऐसा पेशेंट चला जाता है न्यूरोलॉजिस्ट के पास, तो वो हालात में वो भी न्यूरोलॉजिस्ट भी उसके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे, तो उनको अल्टीमेटली वो पेशेंट भेजना पड़ेगा न्यूरोसर्जन के पास, क्योंकि उसमें ब्रेन के स्ट्रक्चर को कुछ तो डैमेज है, ब्रेन के स्ट्रक्चर में कुछ तो बदलाव है. तो ये हो गया प्राइमरी डिफरेंस न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जरी का. अभी बहुत बार ऐसा भी कंफ्यूजन होता है कि ये स्पाइन सर्जन क्या है और न्यूरोसर्जन क्या है. तो न्यूरोसर्जन है कि जो न्यूरो एक्सिस का मतलब क्या है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको हम बुलाते हैं न्यूरोसर्जन. तो न्यूरोसर्जन ब्रेन के जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व कर सकता है सर्जिकली, और जो स्पाइनल कॉर्ड के प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करता है. और एक दूसरा एंटिटी है स्पाइन सर्जन. ये एंटिटी की जिसमें वो सर्जन खाली स्पाइन की ट्रीटमेंट करते हैं, वो ब्रेन से यूजुअली ब्रेन का ट्रीटमेंट नहीं करते. तो ऐसे कुछ न्यूरोसर्जन है कि वो खाली स्पाइन का ही प्रैक्टिस करते हैं, नहीं तो कुछ ऑर्थोपेडिक सर्जन है कि वो खाली स्पाइन का ही प्रैक्टिस करते हैं, वो ज्यादातर तक दूसरे फ्रैक्चर्स दूसरे बोन्स की ट्रीटमेंट नहीं करते, वो खाली स्पाइन का ट्रीटमेंट करते हैं, उनको हम स्पाइन सर्जन बुलाते हैं. स्पाइन एलिमेंट के लिए स्पाइन सर्जन न्यूरोसर्जन इनको दिखाना जरूरी है. अगर फंक्शनल डिजीज है जिसमें एमआरआई नॉर्मल है नहीं तो इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल आ रहा है, वैसे हालात में शायद न्यूरोफिजिशियन नहीं तो न्यूरोलॉजिस्ट आपकी ज्यादा सहायता कर सकता है. पर जिसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम दिख रहे हैं, जैसे ब्रेन में प्रॉब्लम है, कुछ ब्रेन ट्यूमर आ रहा है, ब्रेन के पस आ रहा है, ऐसे केसेस में न्यूरोसर्जन आपकी सहायता कर सकता हूँ. थैंक यू.